बुढ़ापा आने से पहले खुद को बुढ़ा ना बनाए। दोस्तों, ज्यादातर लोग 35 की उम्र के बाद जीवन के प्रति अपने जुनून को खत्म कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को एक धर्रे पर चलाने लगते हैं और मान लेते हैं कि वह अब बूढ़े हो रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में आपको उन्हीं 7 गलतियों के बारे में बताएंगे जो लगभग हर इंसान करता है। अगर आपने भी यह आदतें छोड़ दी तो आपकी आगे की जिंदगी बेहद खुशनुमा हो सकती है। क्या आप भी 35 से 40 साल उम्र के बीच में हैं? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए ही है। उम्र का ये पड़ाव हर किसी के जिंदगी में आता है, लेकिन आमतौर पर यहाँ तक आते आते लोग खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद वो ये मान बैठते हैं कि उनके अच्छे दिन पीछे छूट चुके हैं और इसके बाद वो अपना ध्यान रखना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जीवन के प्रति उनका जुनून खत्म हो जाता है, जो बेहद गलत सोच है। दरअसल उम्र का हर पड़ाव व्यक्ति के लिए नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए ख्वाहिश से लेकर आता है। आपको उम्र के हर पड़ाव में खुद के अंदर जीवन को लेकर उत्साह कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पड़ाव में अपने जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपके जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर अपनी सोच बदलेंगे और नकारात्मक विचारों को खत्म कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीवन को लेकर अपना नजरिया बेहतर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। पहली आदत, सब कुछ पता होने की सोच बदले दो। दोस्तों, हम सब कुछ केवल इस पुल में ही सीखते हैं। इस सोच से निजात पाने की जरूरत है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके कई डिग्रियां हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान मिल चुका है और अब आपको कुछ और पढ़ने या जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की दुनिया अंतहीन है और आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप पूरी जिंदगी में हर एक चीज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सब कुछ नहीं पता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे हमें हर दिन नई चीजों की खोज और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी आदत, ऐसी नौकरी करने से बचे जो आपको पसंद नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल रही है और आप वहां कितने सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप सब कुछ हासिल करते हुए भी दुखी ही रहेंगे। नौकरियां करियर बदलना गलत बात नहीं है। मोटी तनख्वाह के लिए खुद को प्रताड़ित करने की तुलना में आप जिस नौकरी से प्यार करते हैं उसका चुनाव कीजिए। भले आपको पैसा कम मिले, लेकिन वो काम करते हुए आप खुश रहेंगे। तीसरी आदत, सुस्ती भरी जीवन शैली छोड़ दे। हम अपनी दिनचर्या का बहुत बड़ा समय बैठे हुए बिताते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र पार करते करते हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, जिसकी वजह से शेप में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप 35 के उम्र के नीचे भी हैं, तो भी अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। फिट नहीं रह पाने के बहाने बहुत हैं, लेकिन जब आपका वजन अधिक हो जाता है तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है और इसकी वजह आपकी खराब लाइफस्टाइल है। चौथी आदत, अपने सपनों को छोड़ने से बचे। आप 35 से 40 साल के हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। यह एक गलत धारणा है कि आप सिर्फ युवा अवस्था में ही दुनिया बदल सकते हैं। सच तो ये है कि 35 से अधिक उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज दुनिया बदल रहे हैं। पांचवी आदत, दोस्तों और परिवारों से खुद को दूर करने से बचें। समय और व्यस्तता के साथ है हमारा हमारे करीबी लोगों से संपर्क कम होता जा रहा है, और यह हर किसी के साथ होता है। हम अलग अलग वजहों से अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से फोन पर बात करना और मिलना जुलना कम कर देते हैं। यह नजरिया बदलने की जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अपने करीबियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए, अपना सोशल स्किल बढ़ाना चाहिए। छठवीं आदत, पूर्व की उपलब्धियों को बुलाकर भविष्य पर फोकस करें। अगर अपनी क्लास में टॉपर या स्टार थे या आपने हर नौकरी के दौरान शानदार परफॉर्मेंस किया है, तो इन उपलब्धियों को हमेशा सहेज कर ना रखें, बल्कि इन्हें पीछे छोड़कर आगे नई उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। सच तो ये है कि आपने पहले क्या किया, इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। सातवीं आदत, बुरी आदतों को छोड़ें। हम सभी किसी न किसी तरह के बुरी आदतों से घिरे हुए हैं। 35 साल की उम्र के बाद हर वक्त फास्ट फूड खाना, शराब पीना, धूम्रपान, पर्याप्त नींद न लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
यूं तो 35 की उम्र से पहले भी ऐसी आदतें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, इसीलिए हमारे शरीर को अधिक तवज्जो देने की जरूरत है। अगर दोस्तों ये 7 आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप फिट दिखेंगे और आप समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे। आपने इस मोटिवेशनल वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और ये सारी बातें अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करें। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।